नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड कॉर्नर में। आज मैं आलू और सूजी के रिंग्स बना रही हूँ। यह काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं और इसे बनाना भी काफ़ी इजी होता है। बच्चों को ये रिंग्स काफ़ी पसंद आते हैं। इसे आप घर पर ही उपलब्ध सामान से इजी वे में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामान की सूची इस तरह से है। तो चलिए फटाफट स्वादिष्ट नाश्ता बनाना आरंभ करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में एक चम्मच घी गर्म करें। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करें। इसे भून लें, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब आप इसमें एक चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करें। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ एक प्याज और थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। अब इसे थोड़ा सा भून लें। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे पका लें। पानी को बॉयल होने दें। इसमें मैं एक चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सूजी तुरंत पानी सोख लेती है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। सूजी को मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें उबले हुए आलू को कद्दूकस करके मिला दें। आलू को उबालते वक्त मैंने आधा चम्मच नमक डाला था। अब इसमें दो चम्मच कॉर्नफ्लोर डालिए। इससे रिंग्स कुरकुरे बनते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। आपको इसका डो रेडी करना है। धीरे धीरे से मिलाकर डो रेडी कर लें। इसे आधे घंटे के लिए सेट होने फ्रिज में रख दें। अब डो को हथेलियों की मदद से प्रेस करते हुए गोल आकार दीजिए। इस तरह से इसे गोल करें, ज़्यादा पतला ना करें। अब एक बड़ी कटोरी लेकर इसे इस तरह से गोल काट लें। इस तरह से मैंने चार गोले बनाए हैं। अब एक छोटी कटोरी से काट लें ताकि डो से रिंग्स निकल आएं। रिंग्स को अलग कर लें। फ्राई करने के लिए तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आप रिंग्स को डाल दें। इसे सुनहरा होने तक फ्राई करें। इसी तरह से सारे रिंग्स को फ्राई कर लें। ये देखिए, स्वादिष्ट रिंग्स बनकर रेडी हैं। इसे आप बच्चों की पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। खाने की चीज़ों को बर्बाद न करें और हमेशा सबकी मदद करें।